रूपनगढ़ थाना अंतर्गत गांव भैरवाई में गुरुवार दोपहर बाइक के टक्कर मार भाग रहे दो युवकों को ग्रामीणों ने चोर समझकर उनकी पिटाई कर दी। भीड़ ने दोनों युवकों की कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशन सिंह भाटी ने बताया कि कुचल निवासी सिराजुद्दीन और सुरसुरा निवासी शाकिर अपनी कार से रूपनगढ़ से अजमेर आ रहे थे। इसी बीच उनकी कार से भीड़ के एक झुंड में टक्कर हो गई। इस टक्कर से दो भेड़ मौके पर ही मर गई। इस बात से घबराए दोनों युवक गांव से भागने लगे। तभी ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पकड़कर उनके साथ जमकर मारपीट की और उनकी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना का ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। बहरहाल खबर लिखे जाने तक ग्रामीणों और से ना ही कार चालकों की ओर से कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई। घटना के बाद जो प्रतिक्रिया हुई और अब पुलिस जो है इस मामले में किस तरह तफ्तीश कर रही है? कल शाम को सूचना मिली थी थानाधिकारी रूपनगढ़ को कि एक वैगनार बस जो नागौर से आ रही है और उस वैगनार से एक्सीडेंट हो गया भेड़ों का, तो उसमें दो भेड़े मरने की सूचना है, एक दो कुछ भेड़े घायल होने की सूचना है। इस पर गांव वालों ने उस वैगनार के जो तीन लड़के बैठे थे उनका पीछा किया, तो लड़के वैगनार छोड़ करके वहाँ से भागे। फिर उनको गांव वालों ने पकड़ लिया। उनमें से एक सिराजुद्दीन कुचिल निवासी है, एक साकिर सुरपुरा का है, दूसरा राजू वो भी सुरपुरा का रहने वाला है। इन तीन लड़कों के साथ में गाँव वालों ने इस एक्सीडेंट के कारण साधारण मारपीट हुई। फिर उनको सरपंच को बुला करके ये लोग उन तीनों लड़कों को थाने पर लेकर के आई। पुलिस थाना रूपनगढ़ में उनसे पूछताछ की गई, डॉक्टर मुआयना करवाया गया, उनकी आपराधिक गतिविधियां वगैरह शकुनत आदि के बारे में जानकारी ली गई। अभी तक उनके जो चोटें आई है वो तीनों के सामान्य चोटें आई है। अभी तक दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष ने इस संदर्भ में FIR के लिए कोई सूचना नहीं दी गई है। पुलिस अभी भी मौके पर मौजूद है। जो भी जैसी परिस्थिति जैसा एप्लीकेशन आएगा, जैसी हमारे पास में सूचना आएगी उसके अनुसार विधि सम्मत बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। क्या पुलिस अपनी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया ले सकती है? प्रयास यह है कि पहले वो सूचना दे, दोनों पक्ष क्या सूचना देते हैं, क्या मुकदमा क्या परिवाद प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद में जो परिस्थिति होगी कानून के अनुसार बिल्कुल पुलिस भी प्रतिक्रिया लेगी। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। हो प्यार का इजहार करना या फिर हो पेट भरना, मौज मस्ती का मूड हो, हो दोस्तों को खुश करना, जिंदगी को जी ले, कुछ खा पी ले। पिज़्ज़ा पॉइंट कंगोर फॉर डिलीशियस मोमेंट।